नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कंपटीशन मटेरियल में। मैं कांस्टेबल सतपाल। देखिए दोस्तों, जैसा कि हम डेली बात करते हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड, सुबह सुबह लेके आते हैं क्वेश्चन आपके लिए। बढ़िया बढ़िया। तो दोस्तों, इसके साथ बने रहिए तथा डेली अपना करंट चेक के को एक बार पढ़ लीजिए 5 मिनट। ज़्यादा ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। अगर 5-10 मिनट पढ़ लोगे तो 8-9 मिनट की वीडियो होती है लगभग, तो आप उसको एक बार पूरी देख लोगे तो अपने आप ध्यान में रहने लग जाएंगे। बार बार में उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप एक बार देखते रहोगे तो ताज़ा ताज़ा क्वेश्चन है तो जल्दी याद हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तथा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, और इस चैनल का लिंक है, जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। व्हाट्सएप का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप वहाँ पे जाके उस टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे ऐड हो सकते हो दोस्तों। उसमें आपको और भी ज़्यादा जानकारी दी जाएगी। कोई कोई क्वेरी हो तो आप उसके ऊपर आराम से पूछ सकते हो। ठीक है भाइयों, तो अब शुरू करते हैं दोस्तों क्वेश्चन अपना। पहला, निम्न में से किसने अबू धाबी में पहले संयुक्त अरब अमीरात में स्थायी निवास गोल्डन का कार्ड प्राप्त किया? मतलब किसने अबू धाबी में पहला संयुक्त अरब अमीरात में स्थायी निवास का गोल्डन कार्ड प्राप्त किया? देखिए दोस्तों, ये गोल्डन कार्ड किस लिए दिया जाता है? ये वहाँ निवास करने के लिए दिया जाता है दोस्तों। ये क्या सिस्टम है कि मतलब वो जो अमीर लोग होते हैं, उन्होंने बोला था कि जो अमीर लोग हैं वो यहाँ रह सकते हैं, तो उनको एक गोल्डन कार्ड दिया जाता है दोस्तों। तो वो कौन है भारत के? वो है यूसुफ अली। यूसुफ अली को गोल्डन कार्ड मिला। ठीक है दोस्तों, ये अमीर, बहुत ज़्यादा अमीर आदमी है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये है केरला के हैं ये। कौन? यूसुफ अली। इनको गोल्डन कार्ड दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा प्रधानमंत्री, मतलब कौन सा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली विदेश यात्रा का हिस्सा होगा? अब देखिए दोस्तों, अब नरेंद्र मोदी ने शपथ ले ली है तो अब वो यात्रा पर निकलने वाले हैं, तो कौन सा देश उनकी यात्रा का पहला, विदेश यात्रा का पहला हिस्सा होगा? ठीक है दोस्तों, देखिए अब 8 और 9 जून को, कब? 8 और 9 जून को विदेश यात्रा पे पीएम मोदी जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, उनका पहला कहाँ होगा? तो वो 8 तारीख को कहाँ जाएंगे? वो 8 तारीख को जाएंगे मालदीव। ठीक है दोस्तों, कहाँ जाएंगे? 8 तारीख को मालदीव, और 9 तारीख को हो जाएंगे श्रीलंका। ठीक है दोस्तों, तो पहला हिस्सा कौन होगा? पहले कहाँ जाएंगे वो? पहले जाएंगे मालदीव और फिर जाएंगे श्रीलंका। तो पहला कौन सा हुआ? तो पहला हुआ मालदीव। देखिए दोस्तों, मालदीव से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसकी करेंसी क्या है? इसकी करेंसी क्या है? रुपया। इसकी करेंसी क्या है? रुपया। इसकी करेंसी है दोस्तों। इसकी कैपिटल क्या है? मेल इसकी कैपिटल है। देखिए दोस्त, ठीक है। और इसके प्रेसिडेंट कौन है हाल ही में मालदीव के? वो है मोहम्मद इब्राहिम सोली, इसके प्रेसिडेंट हैं। और 9 तारीख को कहाँ जाएंगे? 9 तारीख को जाएंगे श्रीलंका, पीएम मोदी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने ओबीसी को कितना प्रतिशत आरक्षण देने का प्रस्ताव पारित किया? देखिए दोस्तों, जो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट है उसने ओबीसी को कितना प्रतिशत आरक्षण देने की प्रस्ताव पारित किया है दोस्तों? तो वो किया है उन्होंने 27% आरक्षण देने का प्रस्ताव पारित किया है। तो इसमें पहले कितना था? देखिए दोस्तों, पहले यहाँ 14% आरक्षण दिया जाता था ओबीसी को, लेकिन अब इसको बढ़ाने की बात की जा रही है, तो इसको बढ़ा के कितना करेंगे? 27% इसको करेंगे। अब देखिए दोस्तों, अब कौन है यहाँ कि मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? तो वो है कमलनाथ। कमलनाथ है मध्य प्रदेश के सीएम है। और कौन सी पार्टी के हैं ये? कांग्रेस पार्टी के सीएम है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग को WHO द्वारा तंबाकू नियंत्रण क्षेत्र से पुरस्कार दिया गया? ठीक है, हाल ही में किस, मतलब कौन से राज्य को WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा तंबाकू नियंत्रण पर पुरस्कार दिया गया? तो कौन सा राज्य है जिसको पूर्णतः है तंबाकू मुक्त राज्य होने का पुरस्कार प्राप्त किया है? देखिए दोस्तों, वो कौन सा राज्य है? वो राज्य है राजस्थान। राजस्थान को WHO द्वारा तंबाकू मुक्त बताया गया है, फिर उसको ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अब क्या है कि पहला सरकारी ऐसा राज्य बना है जो सरकारी विभाग
है जो पहला सरकारी विभाग जिसे तंबाकू मुक्त राज्य बनाया गया, तो वो कौन सा है? वो राजस्थान है। हाल ही में एक्सिस बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? देखिए दोस्तों, हाल ही में जो एक्सिस बैंक है उसका अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों, तो है राकेश मखीजा। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए प्राइवेट सेक्टर की बैंक है तो ये तीसरी सबसे बड़ी बैंक है प्राइवेट सेक्टर की, तो सबसे पहली बड़ी पूछ सकते हैं जो HDFC बैंक है वो प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी बैंक है और ये तीसरे नंबर की एक्सिस बैंक आती है दोस्तों। ठीक है, अब पूछ लेते हैं इसका मुख्यालय कहाँ है। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? इसका मुख्यालय है मुंबई में। मुंबई में इसका मुख्यालय है और इसके CEO कौन है फिलहाल में एक्सिस के? वो हैं अमिताभ अमिताभ घो अमिताभ चौधरी। अमिताभ चौधरी इसके CEO हैं दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में बाल यातना एवं अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। देखिए दोस्तों, इसका मतलब समझिए क्या होता है बाल यात्रा अवैध तस्करी। देखिए दोस्तों, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको उनको यातना उनको पीड़ा दे उनको पीटा जाता है, पीट पीट के काम करवाया जाता है, और एवं अवैध तस्करी जैसे बच्चों को काम करवाने के लिए, मजदूरी करवाने के लिए छोटे छोटे बच्चों को पकड़ के ले जाते हैं कहीं और, उनको काम करवाते हैं बिना पैसे, काम करवाते हैं उनकी उम्र होने से पहले, काम करवाते हैं, तो वही क्या है अवैध तस्करी और बाल यातना के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया दोस्तों? तो वो बनाया गया है 4 जून को, इसको अंतर्राष्ट्रीय दिवस बनाया गया है उनके लिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, हाल ही में 14वें इस्लामिक सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में आयोजित किया गया? देखिए दोस्तों, इस्लामिक सहयोग संगठन का आयोजन किस शहर में किया गया दोस्तों? तो वो है मक्का सऊदी अरब में। मक्का सऊदी अरब में इसका आयोजन किया गया। देखिए दोस्तों, अब सऊदी अरब की कैपिटल क्या है? वो है रियाद। और इसकी करेंसी क्या है? करेंसी क्या है दोस्तों? सऊदी रियाल। सऊदी रियाल इसकी करेंसी है। अब देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 7, अर्बन क्लेब का नया एम्बेसडर किसे बनाया गया है? देखिए दोस्तों, जो अर्बन क्लेब है उसका नया एम्बेसडर किसे बनाया गया है? कौन से बॉलीवुड एक्टर को एक्ट्रेस को बनाया गया? देखिए दोस्तों, वो है कृति सेनन को बनाया गया है। अब इससे जो ब्रांड एम्बेसडर हैं उससे रिलेटेड कुछ दो चार ब्रांड एम्बेसडर और देख लें जो इम्पोर्टेंट है, जो हाल ही में बनाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, जो फ़ोन पे है जो फिलहाल यूज़ कर रहे हैं सभी, ट्रांजिशन के लिए जो फ़ोन पे यूज़ किया जाता है, तो उसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? उसका बनाया गया है आमिर खान को, उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, जो Dream11 ऐप चली हुई है अभी देखते होंगे आप सभी, उस पर जो अपना टीम बना के खेलते हैं Dream11 पे, उसका आप भी देखते हो TV में ऐड आता है, तो उसका ब्रांड एम्बेसडर एमएस धोनी को बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, अब वो जो फ्लिपकार्ट आप शॉपिंग वोपिंग करते हो तो उसका किसको बनाया गया? रणबीर कपूर एवं श्रद्धा कपूर को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है दोस्तों। अब भारत के इतिहास की सबसे अब तक की सबसे युवा सांसद कौन बने? देखिए दोस्तों, मैंने क्वेश्चन पहले भी पूछा था आपसे, पहले भी करवाया था आपको, अगर आपको ध्यान होगा तो आप इसका उत्तर जल्दी दे देंगे। तो देखिए चंद्रानी मुर्मू हैं। देखिए दोस्तों, इन्होंने इनको अब तक के इतिहास की सबसे युवा सांसद के रूप में चुना गया है। अभी कितने वर्ष के दोस्तों? ये है 25 वर्ष की है और कहाँ से है? उड़ीसा से हैं ये। कहाँ से? उड़ीसा से। अभी दोस्तों कौन सी पार्टी के हैं? तो ये बीजू जनता दल पार्टी है उसकी है, याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये एग्जाम की दृष्टि से, कि भारत के इतिहास की सबसे युवा सांसद कौन बने दोस्तों? वो है चंद्रानी मुर्मू उड़ीसा की। कितने वर्ष की? 25। इन्होंने बीटेक कर रखी है दोस्तों, बीटेक से ग्रेजुएट है ये, तो ये जरूर ध्यान रखना। अब देखिए तो क्वेश्चन नंबर 10, दुनिया के पहले अरबपति रैपर कौन बने? देखिए दोस्तों, जो रैप करते हैं जैसे अपने जो भारत के कौन है हनी सिंह, जो रफ्तार सिंह, इन जैसे जैसे रैप करते हैं, तो जो रैपर है वो दुनिया का सबसे अरबपति रैपर कौन बना दोस्तों? तो वो है जे 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 जेड। कौन है? जे जेड दुनिया का सबसे अरबपति रैपर बन गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं जो कल क्वेश्चन पूछे थे मैंने पिछली वीडियो में, तो अब देख लेना दोस्तों किस किस भाई ने सही बताया, किस किस ने गलत, तो मैं उनके आंसर बता देता हूँ। हाल ही में बैडमिंटन एशिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? बैडमिंटन
पहला क्वेश्चन था मेरा, हाल ही में बैडमिंटन एशिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए दोस्तों, वो है आदित्य सुबह को हाल ही में बैडमिंटन एशिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब दूसरा क्वेश्चन था, वित्त मंत्री सीतारमण का पहला केंद्रीय बजट कब पेश किया जाएगा? एक भाई ने शायद 5 जून उत्तर दिया था, तो मैं उसको भाई को बताना चाहता हूँ कि देखिए दोस्त, पिछले भी मैंने बताया था, पिछले वीडियो में करवाया था, वही क्वेश्चन दिया है, 5 जुलाई को केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आज के 2 क्वेश्चन और पूछता हूँ मैं भाइयों से, कल इसके आंसर जरूर कमेंट में देना। हाल ही में दुनिया का सबसे दक्षिणी शहर किसे घोषित किया गया है? बड़ा चर्चित क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे दक्षिणी शहर किसे घोषित किया गया है, ये मेरा पहला प्रश्न है। अब दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के हाई कोर्ट ने सभी जानवरों को वैधानिक व्यक्ति का दर्जा दिया है? जो हाल ही में कल या परसों की जो वीडियो थी उसमें बताया था, हाल ही में किस राज्य के हाई कोर्ट ने सभी जानवरों को वैधानिक व्यक्ति का दर्जा दिया है? देखिए दोस्तों, तो आप इसका आंसर जरूर बताएं कमेंट्स में। हाँ दोस्तों, टेलीग्राम का और व्हाट्सएप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जाके ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। आप वहाँ आपको और भी बढ़िया बढ़िया चीज़ें मिलेगी, क्योंकि वहाँ सभी बच्चे कॉम्पिटिशन से रिलेटेड ही हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी, तथा इसे ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और शेयर तो कर ही दीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।